हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले एपिसोड में आपको याद होगा हम शॉर्ट वेव रेडियो के थ्रू पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोच रहे थे कि भैया इनका पर्दाफाश करना। तो हमने वेल्व बंद कर दिया, बीच में एक ऑब्स्टिकल आया था, हमें निकलने के लिए आगे बढ़ने के लिए वेल्व बंद करनी पड़ेगी, इसलिए अब हम निकल रहे हैं। तो गाइस ये गेम तीन पार्ट में ख़त्म होगा, आज दूसरा पार्ट है डीएलसी का। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। एक सेकंड, वो बंदा फिर से पीछे पड़ गया जो आरी के साथ था, आरी जैसा ही कुछ था। तो अभी हम बच गए हैं, और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आप वो देखना चाहिए पहले। लेकिन वो बंदा लिटरली एक बॉडी में से निकाल रहा था पुर्जे और खा रहा था, मतलब किडनी वगैरह हार्ट जो भी है, वो काफी स्केरी था। तो आगे का रास्ता जरा मिल नहीं रहा है। एक सेकंड, नहीं यहां से नहीं है, यहां से तुम पीछे आए थे, वापस चलते गाइस। और एक सेकंड, अगर आपको याद हो तो पिछले पार्ट में एक बंदे ने डॉक्टर को डुबो डुबो के मारने की कोशिश करी थी और वो मरा हुआ पड़ा था, इस बार हमने भी देखा। काफी सही। तो ओके, ये रास्ता, यही से हमें उस बंदे ने बोला था कि लाइट बंद करो। और अगर आपने भी गौर करा तो वो नीचे मरा पड़ा था। तो हमें नीचे जाना है, और रास्ता काफी खतरनाक लग रहा है, आप देख सकते हो काफी डार्क सा लग रहा है, मतलब एक रोशनी है जो आ रही है वो थोड़ी सी है बस। मतलब यार ये लाइटनिंग कंडीशन भी बहुत ही कमाल की बनाते हैं ताकि डरावना लगे गेम। और अगर आपने देखा हो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, नाइट विजन कैमरा में शायद कोहरा वोरा सा हो रहा है, रात हो रही है तो ओस वोस पड़ रही होगी शायद, ऐसा कुछ। फिलहाल पीछे देख लेते, कुछ काम का तो नहीं है आगे बढ़ने से पहले। ओके, एक दरवाजा खुला है, पता नहीं ये आगे का रास्ता है या वो वाला है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये क्या था गाइस, इतना अंधेरा हो रहा है कि हमें ये तक नहीं पता कि हुआ क्या था अभी। मैं छोड़ो, शायद किसी ने काटा है। तो गाइस आपको याद होगा जब हम माइल्स अपशर का रोल प्ले कर रहे थे मेन आउटलास्ट की स्टोरी में, तब हम यहाँ पर आए थे, दोनों दरवाजे बंद थे, मगर अभी ये खुला हुआ है, चला जाए। एक्चुअली माइल्स अपशर जब हम प्ले कर रहे थे तब हमने सारी बॉडी पड़ी भी देखी थी गार्ड्स की, लेकिन जब हम विलन पार्क का रोल प्ले कर रहे हैं तो हमने लिटरली मरते हुए देखा है। बैटरी मिली, तो यहाँ पे कुछ नहीं था आगे का रास्ता, पीछे ही है कहीं। एक सेकेंड, नहीं ये नहीं है रास्ता, वो बंदा चला गया शायद, अब खुल जाए, नहीं लॉक्ड है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो आगे रास्ता किधर होगा फिर। थोड़ा अजीब, समझ में नहीं आ रहा। एक तो नाइट विजन भी गाइस काम नहीं कर रहा है, बहुत ही बकवास चल रहा है नाइट विजन, यहाँ पे इतना कुछ खास काम का है नहीं। तो बाहर निकल जाते हैं। ओके, साइड में एक बंदा भागा यहाँ से, और दूसरा दरवाजा खुल गया,
पहले लॉक चाहिए, आपने देखा एक ही खुला हुआ था, लेकिन हम दोनों खुले हैं और ये ठीक है, लाशें हम बहुत देख चुके हैं, तो हमें इधर से ही जाना है। ऑलराइट, बहुत सारी लाशें। पता नहीं क्या हुआ, ये आवाज़ क्यों आई, मतलब बस पता नहीं, तो हम शायद पार हो सकते हैं, लेट्स सी, हो सकते हैं। कुछ काम का मिलना चाहिए वरना टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, बैटरी है, चलो बैटरी तो काम की चीज़ है भाई। और गाइस, फार क्राई का मैंने पार्ट जो डाला है एंड का, मतलब मैंने सिर्फ उन लोगों की रिक्वेस्ट पे डाला था क्योंकि बहुत कम लोग थे, लेकिन उन्होंने बोला था कि प्लीज़ कंप्लीट करो, और बहुत पिट गई यार ये सीरीज़, मेरे कोरोना आ रहा है तो उस पर व्यूज देख के, मतलब इतना बेकार था क्या ये, कमेंट में बताना मेरे को। जिन लोगों ने देखा यार, तुम लोगों का सपोर्ट तो मेरे को चाहिए। देखो डेज गॉन मैक्सिमम लोगों ने मना करा है, लेकिन मैं डालूंगा और वो सिर्फ तुम्हारे लिए डालूंगा, तो मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए और अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, वरना मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिन लोगों ने बोला है कि दो, क्योंकि मेजॉरिटी में लोगों ने मना करा है। तुम्हारा सपोर्ट नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या है। कुछ बंदे गाइस पड़े हैं बाहर की स्टोरी से, डिस्ट्रैक्ट हो गए हम अभी, मतलब फार क्राई डेज गॉन से मेन स्टोरी, ओ भाई मेन स्टोरी पे ही आगे आते हैं और इनकी दरवाज़ा हम खोल सकते हैं, सही है। हाँ मैं भूल गया था, नाइट विजन किसी काम का नहीं है, बकवास है। ऑलराइट, दो बंदे ठीक है, ये हमारे पीछे पड़ेंगे, सीधे भाग लेते हैं ये लेफ्ट में ही। हाथ में देखा था इनके, खतरनाक। तो ये खुला है, एक सेकंड, हम पे इन्होंने शायद बास्केटबॉल फेंक या कुछ और फेंका। अच्छा मार रहे हैं, ओके तो मैं भागना है। कह रहा स्ट्रेंजर हो तुम, भागो यहाँ से। तो गाइस एक डॉक्यूमेंट मिला है, अभी देखेंगे, देखते हैं कितना काम आएगा। तो गाइस ये इसमें एक कर्ट को बोल रहा है, मतलब मरकोफ टू मरकोफ ही चल रहा है, ये अंदर ही चल रही है बातें, तो ये बोल रहा है कि मुझे लगता नहीं कि तुम चेक कर सकते हो इस साइकोपैथिक प्रॉक्सिमिटी डिसऑर्डर को, ये बेसिकली हो सकता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, मतलब रिजल्ट एज अ रिजल्ट आ रहा हो पेशेंट में। तो फिलहाल ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है एडमिन ब्लॉक में, वो हमारे लेटेस्ट नॉन पेशेंट एम्प्लॉय बन चुके हैं, मतलब वो हैं बंदे जो वर्निक डॉक्टर है उसकी फेरी टेल्स को देख रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, वर्निक मेन डॉक्टर है जो वॉल राइडर, प्रोजेक्ट वॉल राइडर को चला रहा है, तो उसकी कुछ थ्योरीज तो होंगी, उसी के वजह से वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। होता है ना, पहले दिमाग में आती हैं चीज़ें, फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही होता सब कुछ। तो वो उसकी फेरी टेल्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि भैया क्या है, क्या चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो बातें कर रहे हैं कि वॉल राइडर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहा है, और ऐसा है तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, जो कि मैं मालूम है आउटलास्ट की मेन स्टोरी में कि बिली का जो वॉल राइडर है वो ये सब हरकतें कर रहा है। तो गाइज यहाँ से तो हम आए थे, आई गेस नहीं, पिछली साइड से आए थे। ये क्या हुआ, कौन भागता हुआ गया, ये डरते डरते गया, शायद कुछ खतरनाक। ऊपर सीढ़ी थी वैसे, हम जा सकते हैं। ओके यहाँ पे कुछ नहीं है, हाँ निकलते हैं, फिर सीढ़ी से आगे बढ़ जाएंगे, और ये भी लॉक्ड ही है। ओके हर चीज मैंने चेक कर ली, अब
कुछ नहीं है चेक करने को, तो हम इसलिए अब निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही हर चीज चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always. ये बोला है कि तुम बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना, ये तुम्हें बोलेंगे कि ये साइंस है, मगर ये साइंस नहीं है। तुम इन जगह को नहीं समझते, बिली समझता था। बिली समझ रहे हो ना, जो वॉल राइडर बन चुका, उस पर एक्सपेरिमेंट हुए, तो ये बहुत ही डरा हुआ था। ओके, कुछ लोग भाग रहे हैं, आई गेस बिली का वॉल राइडर है यहाँ पे। ये बंदे हमें भागना हुआ, शायद ये भी भाग गया। ओके, मेरे हिसाब से हमें देखो प्रिजन तो यही है, क्योंकि कई सारे पेशेंट थे यहाँ पे। ठीक है, अब हो सकता है यही हो वो शॉर्ट वेव रेडियो। हाँ यही है वो। अरे यार अभी तो ये सुपरवाइजर चला गया, हम बात करने वाले थे बस सुन लेते। Waylon, you could just couldn't just keep your mouth shut. Couldn't just play along. तो ये बोल रहा है कि क्या तुम ना मुंह बंद नहीं रख सकते? पर फिर ना एक सुगंधी की आवाज आई और ये कह रहा कि मेरे पे फेवर करो, मर जाऊं यहाँ पे। तो लगता है कोई आ रहा है विलन, कोई वेरिएंट, और ये तो भाग गया। कोई नहीं, हमें भी भागना पड़ेगा, निकलते हैं चलो, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हो तो? नहीं है, कुछ नहीं है, निकलते हैं। ओ भाई, ये गार्ड को धक्का दे के मार दिया, पता नहीं कौन है। ओके, मोटू वेरिएंट है गाइस, अगर आपको याद हो तो आउटलास्ट 1 की मेन स्टोरी में मर गया था हमारे सामने, मतलब माइल्स अपशर के सामने, रिपोर्टर के सामने। तो मतलब अभी वो उस टाइम से पहले वाला टाइम चल रहा है, क्योंकि जिंदा है। हम निकल गए, ऐसा बहुत कम होता है कि हम इससे बच के निकल जाएं। कुत्ते ने दरवाज़ा बंद कर लिया, सामने जो गार्ड था। तो आगे निकलने का रास्ता मिल तो रहा है गाइस। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ यार आप साथ सपोर्ट बनाए रखिए, सपोर्ट कम मत करिएगा। तो ये बोल रहे हैं कि भैया अटेंशन, ये पर्सनल चीज़ है, इमरजेंसी एवैक्यूएशन हो रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा बिली का जब से वॉल राइडर बना, लाशें लाशें बिछ गई हैं, पेशेंट कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। तो ये बोल रहा है कि मतलब जो अनाउंसमेंट थी कि आपको एडवाइस दी जा रही है, आप काम रहें और ज़्यादा हड़बड़ी ना मचाएं, क्योंकि सारी चीज़ें बिगड़ गई हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और हम जब आए थे तब लाशें बिछी हुई थी, और ये तो वही जगह है, हम आउटलास्ट की मेन स्टोरी में यहाँ पे आए थे, आपको अगर याद हो तो, और इसने बना दिया था उस टाइम पे, और यहीं से हम नीचे गए थे। तो याद आ गया भैया, मेन स्टोरी की याद ताज़ा हो गई। उसने गेट बंद कर दिया, सबको मतलब सबके सब डरे हुए हैं, और मेरे को इतने सारे रास्ते मिल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आना कि आगे जाना कहाँ है। फिलहाल एक डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ बंदे हैं जो सेल्स में बंद हैं, और वो कह रहे हैं भैया मेरी तरफ मत देखो, कह रहा है कि कोई अगर बीमारी नहीं होगी तो कोई नाइटमेयर भी नहीं होगा। शायद उनको नाइटमेयर आते ही क्योंकि वो ड्रीम थेरेपी थी, आपको पता ही होगा, हमने कई बार बात करी है इस बारे में। तो गाइस यहाँ पे जो बात हो रही है, ये बेसिकली बोल रहा है कि भैया हमने कुछ लास्ट रिपोर्ट्स चेक करी और किसी चीज़ ने मेरा ध्यान खींचा, और रिपोर्ट्स थी प्रोजेक्ट वॉल राइडर की 2010 की, इतने रिपोर्ट चेक करी और कुछ इश्यूज आ रहे हैं फीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ, वो एक एक्सपीरियंस कर रही हैं प्रेगनेंसीज, साइकोमेटिक प्रेगनेंसीज, और
उनका कोई भी मॉर्फोजेनिक इंजन से रिलेशन नहीं है, मतलब वही जिससे वॉल राइडर हो रहा है, मतलब ये वॉल राइडर बना मिशन, ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ मॉर्फोजेनिक इंजन की मदद से, ये आपको पता ही है, मेन स्टोरी आपने देखी होगी। सो तो ये कह रहा है कि उन पर तो एक्सपेरिमेंट हुआ भी नहीं, वो पेशेंट नहीं थे, वो एम्प्लॉय थे, जो फीमेल एम्प्लॉय थी, लेकिन तब भी वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, काफ़ी कमाल की चीज़ है। और ये कह रहा है, एक ध्यान मेरा खींच रहा है क्वेश्चन है, और मैंने नेट पर सर्च करी तो मेरे को उससे पता चला कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चा होता नहीं, बस पेट फूलता है। तो ये बोल रहे हैं आगे कि भैया क्यों ना उन वूमेंस पे एक्सपेरिमेंट करा जाए जब उन पे कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो हालांकि उन पे कोई थेरेपी यूज़ नहीं करी गई थी, तब भी ऐसा हो रहा है। ये एक बस एक स्टोरी है थोड़ी सी जो उन्होंने ऐसा ही बता दी, यहाँ पे अभी तक कुछ देखने को तो नहीं मिला ऐसा कुछ, मतलब हमें बस नोट्स में ही दिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गाइस ये आउटलास्ट 2 में थोड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये चीज़, मतलब ये थ्योरी बेसिस पे कंफर्म नहीं है। ओके, शायद कोई पीछे पड़ा है, हमें तो बस भागना है, वो वेरिएंट ही पीछे पड़ा होगा। आ रहा है, शायद आ रहा है। आगे सब हम बच गए, रात हो रही है, शायद कूदना है। ओके, ये दरवाजा बंद है। बहुत ज्यादा नाइट विजन से बहुत ज्यादा सफेद सफेद हो रहा था तो सही नहीं था। एक सेकंड, यहाँ पे आके जाने का रास्ता है तो पहले सारा थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया जाए। गाइस अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर कोई और ऐसा बंदा जिसको ऐसे गेम पसंद है तो प्लीज़ सपोर्ट दिस मैड गाइस चैनल प्लीज़। तो यहाँ पे ठीक किसी पागल की आवाज़ थी, और ये मुझे कुछ ऑपरेशन वाली जगह लग रही थी, मतलब 2 मिनट के लिए लगा मेरे को। और ये देखो सेम ही बात है, बस 3-4 लाइन है और हर बार सेम ही लाइन बोली जा रही है कि अबव द नी, नीस के ऊपर, और मतलब पेट के नीचे कह सकते हो, नेवल मुझे पता नहीं, मतलब शायद औजार की बात हो रही है। बोल रहा है कि स्लाइस टेबल पर रख के स्लाइस कर देगा और एक ऐसी प्लेस बना देगा जिससे हम अंदर, अबे भैया क्या बोल रहा है। और ग्रूम की बात हो रही थी, मतलब मेरे ख्याल से ये बात थी इस एक्सचेंज ऑपरेशन की, आप समझ रहे हो ना, औजार काट दिया जाएगा आपका। ये थोड़ा मतलब अजीब था, ये क्यों है यहाँ पे, मतलब ऐसा तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, लिटरली ऐसा तो कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है भाई। ओके, दरवाज़ा बंद, मगर सही है, मतलब ये चीज़ हमें समझ में आई तो हम ये पूछेंगे कि ये क्यों लिखा था, इसका मतलब पक्का ऑपरेशन का ही था, मतलब सेक्सचेंज ऑपरेशन। यहीं से जाना है। ओके, थोड़ा झुकना पड़ेगा। ओके, तो कई सारे रास्ते हैं गाइस, ये बंद है। ओके, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिकल करंट सा लग रहा था, देखो ये इसके सामने वाला बंदा मरा हुआ भी है, तो यहाँ पे तो नहीं जाना। इधर देखा जाए तो कोई, मुझे लग रहा है ये मेन जगह हो सकती है, तो उधर बाद में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैटरी मिली। ओके,
एक सेकंड, यहाँ पे भी रास्ता है, नीचे खुल रहा है रास्ता ये। गेट गाइस, इस चीज को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप खुद ही समझ गए होगे। ये बहुत अजीब था, मतलब पेशेंट्स इतने पागल हो गए हैं कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं। ये क्या था भाई, भाग लेते हैं फिलहाल। तो कुछ तो हुआ है मेरे ख्याल से, शायद वो इलेक्ट्रिकल झटके जो थे साइड में एक जगह लग रहे थे वो बंद हो गए होंगे शायद बेल्ट से, मतलब बेल्ट या जो भी लेवर है। हाँ देखो, इसी जगह पे थे और अब नहीं है, तो मेरे ख्याल से गेट खुल जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बंदा पीछे पड़ा है, ओके अब पीछे नहीं आ रहा। तो वो वाला एडर फिर से आ रहा है गाइस, बिजली का मतलब आवाज तो ऐसी आई। कुछ तो हुआ, इधर चल नहीं पा रहे, तो जाएं कहां फिर? भाई हर जगह यही है, जाना किधर है फिर? देखो हम चढ़ नहीं पा रहे, तो करना क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि यहाँ पे और कोई जगह नहीं है, मतलब जाने की कोई जगह ही नहीं है। अच्छा सीढ़ी, ओके सीढ़ी तो दिखी ही नहीं। ओके रास्ता ये रहा, ओ भाई जरा चेक करके आते हैं पहले दूसरी जगह पे, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे सीढ़ियाँ आती है, आपने देखा अभी सीढ़ियों में कुछ मिल सकता है। ठीक है बैटरी मिली हमें यहाँ पे, दरवाज़ा खुला है लेकिन ये रास्ता बंद है, जालियों से कवर्ड है। चलो कोई नहीं, इसने फिलहाल इस बॉडी को देख के नोट्स बनाए, बाद में देखेंगे या अभी देख लेते हैं। तो ये लीजा सही बात कर रहा है कि मुझे एविडेंस मिले, मुझे लगा कि जो पावर थी वो एविडेंस थे, मगर इंसानों को तो कंट्रोल करा जा रहा है माउंट मैसिव असाइलम में। बस ये अपनी चीज़ें बता रहा है और ये वही चीज़ें बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है वगैरह वगैरह, ट्रैप था जो कि हमने लिवर से हटा दिया था अभी। ठीक है दादा, कुछ खास नहीं है, मतलब वही चीज़ें नोट्स में से वही चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी देख ली हैं, तो कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। और गाइस दूसरे नोट में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं था, बकवास था, बस वो ये कंसर्न कर रहा था कि हम अपने जो बच्चा है उसको ऐसी दुनिया में ला रहे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ें हो रही हैं, बस इतना ही।
कुछ खास नहीं था, कूद ही मारते हैं। कोई तो है यहाँ पे रास्ते। ओके ठीक है, ये एक जगह है जहाँ से हम जा सकते हैं। हम बाहर आ गए हैं, आप देख सकते हो कोहरा ही कोहरा। लंबी छलांग मारनी पड़ेगी। भैया जितनी देर खड़े रहेंगे उसी देर गिर। ओह शिट, ऊंचाई से गिरे हैं। अगर ये चढ़ता तो थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता, क्योंकि आप जितनी देर तक चढ़ोगे उतनी देर तक पावर आपकी ख़त्म हो जाती है। सो पॉसिबल तो वैसे भी नहीं था, सो इसलिए ये थोड़ा रियलिस्टिक दिखाया। ये थक गया था और नीचे देख के डर भी गया था। तो दो बंदे बात कर रहे हैं और वो यहीं पे ही हैं, इनकी आवाज़ आ रही है। जाना कहाँ से है ये बताओ बस। ओके ये रहा, नहीं यहाँ से नहीं जा सकते। ये रहा, तो किसी बंदे की बात कर रहे हैं कि अगर ये निकल जाता है तो उसके साथ क्या होगा, मतलब हमारे साथ। तो मतलब कि शायद कोई विलेन वेट कर रहा हो। आई गेस ये हमारे बारे में बात कर रहे थे, यहीं पे थे ये। ये बोले एक गिफ्ट ग्रूम के लिए, मतलब हस्बैंड के लिए। मतलब ये देखो शायद हो सकता है उस लेटर से थोड़ा कनेक्टेड हो, वही जिसमें सेक्शन ऑपरेशन की बात करी थी इनडायरेक्टली। ये कौन है? ओके लटका हुआ है भाई साहब ने फांसी चढ़ा दी। तो ये कह रहा है जितना मैं एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही मैं अंदर घुसता जा रहा हूँ, और अब डेड लोग जो है मेरे को सरप्राइज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हर जगह ही लाश है। ऑब्वियसली मुझे भी फर्क पड़ा। तो ये बोला है कि चुप रहो, अगर देख लिया तो वो हमें एक बंदे को दे देगा जो कि मतलब खतरनाक है। एक सेकंड, यहाँ से जा सकते हैं, इसको साइड करना पड़ेगा। और एक लड़की बोली कि इस पागल को शायद मरना है, मतलब हो सकता है एक विलन, नया विलन सेटअप करा जा रहा है हमारे लिए। लेकिन इस बार थोड़ा समझ में भी आ रहा है। अगर आप देखो आउटलास्ट मेन स्टोरी बहुत ही टिपिकल थी समझने में, मतलब एंड में ही सिर्फ समझा दिया था, शुरू में तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग थी, नोट्स भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे, वैसे सिर्फ पेशेंट्स के बारे में थे, तो अगर ना पढ़ें तो भी चलेगा, वैसा कुछ सीन था। ओके जाना किधर है? ये तो लॉक्ड है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पीछे जा रहा हूँ, लेकिन जैसी चीज़ चल रही हैं ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ।
तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा आगे कैसे बढ़े। मुझे लगा सीढ़ी थी लेकिन ये सिर्फ एक लकड़ी थी। और हाँ गाइस, कल कोई वीडियो नहीं आएगी सुबह, मैं आपको पहले ही बता दूँ, सुबह कोई वीडियो नहीं आएगी। और पहले हम टेकन क्लियर करेंगे, एक दिन हो जाएगा। ओ शिट, कोई है, भागते हैं। ओके, किस्मत अच्छी थी, हम जल्दी से निकल गए। और हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि भैया कल टेकन आता, लेकिन मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, सो सुबह वीडियोस नहीं आएंगी, शाम को आएंगी। टेकन को कंप्लीट करने के बाद हम शुरू करेंगे GTA 5। ये कह रहा है कि ये बेवकूफ़ है, ये खुद ही चला गया उस बंदे के पास, मतलब जिसको वो बोल रहे थे कि सौंप देगा। पता नहीं किस बंदे की बारे में बात कर रहे हैं ये गाइस। मैंने जानबूझ के वो सीन में दिखाया, वो जो उधर लाश थी वो मतलब सीरियसली वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ना ही देखो तो बेहतर है। ओके, कुछ दिख नहीं रहा आगे बढ़ने का, कुछ तो होगा, ये रही। ओ शिट, आई गेस ये मेन विलन है, क्योंकि ये नॉर्मल पेशेंट्स की तरह नहीं लग रहा, मतलब जैसे वेरिएंट था वो मोटू वैसा ही। ये कह रहा था मैंने तुम्हें डरा दिया तो मुझे माफ करना, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। पीछे पड़ गया, ये तो लॉक है यार, शिट, बैटरी भी खत्म हो गई। अरे नहीं, मर गए तो? अंधेरे में शायद दिखा ना हो, लेकिन बैटरी खत्म हो गई थी इस वजह से हम मर गए। हमें पता ही नहीं चला हमें जाना किधर है, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने वही करा इस बार, सारे रास्ते बंद थे, जहाँ से आया था वहीं पे मैं चला गया। पढ़ने का टाइम तक नहीं था, जो दीवार पे बना हुआ था पीछे पड़ा है। एक सेकंड लिखा है, लव मेक्स हाउस अ होम, तो बेसिकली इसको ब्राइड चाहिए, मतलब इसको अपनी वाइफ चाहिए। इसको एक भाई साहब कपड़े तक से रखे हैं, मतलब उसका आउटफिट बना रखा है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से मैं स्टोरी समझ गया गाइस। ये लड़कों को पकड़ता है, उनको ऑपरेशन करता है, एंड देन अपने लिए वाइफ बनाता है। ये एक होगा वेरिएंट, एक और, लेकिन इसको दिमाग पर थोड़ा अलग तरीके से करूँगा। और पीछे पड़ गया, फिर से भागते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा, ओके वो चीज हमें हटानी होगी। अगला गेट, मतलब जाने के लिए
और वो पीछे आ रहा है। भागते हैं। अरे यार लॉक्ड है, निकलते हैं यहाँ से। ओ तेरी, गाइस हम गिरे और हमारा पैर टूट गया। ओ भाई ये कह रहा है कि मुझे तुम बताओ कि तुम ठीक हो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम सफ़र करो मेरे बिना, मतलब यही हमें तड़पाएगा। तो ये कह रहा है तुम मेरे से भाग रहे हो तो इससे बढ़िया तुम मरी जाओ मेरे साथ होने के बजाय, क्योंकि अगेन ये हमें अपनी ब्राइड बनाना चाहता है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, हम इससे बच गए। अगला एपिसोड आखिरी होगा, हम इससे फाइनली बच गए, अब हम इसकी बीवी नहीं बनेंगे। सो बाय।